उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये अब साफ हो गया है। उनके लिए चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपनी सीट भी खाली कर दी है। चंपावत विधानसभा सीट मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटीमा से लगी हुई है। साथ ही विधानसभा के मैदानी क्षेत्र बनबसा और टनकपुर इलाके में पिथौरागढ़ के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। सीएम धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के ही रहने वाले हैं। गौरतलब है कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा की 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का इतिहास रचा था, लेकिन जीत की अगुवाई करने वाले धामी को खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाना जरूरी है। अब चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़कर सदन में पहुंचना है। आईएनएस रिपोर्ट।